हेलो, आई एम प्रवीण सोनावणे. यू आर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट रिलायबल एंड रेलिवेंट एजुकेशनल चैनल वेर यू गेट बेस्ट इन क्लास स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर्स. डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, दैट इज सेल साइकिल, सेल डिविजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. एज ऑलवेज फर्स्ट हैव द लुक एट द स्कोप ऑफ द सिलेबस. सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. दिस डायग्राम शोज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. डायग्राम देखकर तो डर लगता है, क्या ये डिफिकल्ट होने वाला है? No, this is not going to be difficult. It's going to be very easy. Understanding this diagram is understanding the cell cycle. So this cell cycle can be divided into two phases. Iske do bhaag ho sakte hai. So first phase is called the phase of interphase. And the second phase is the phase of mitosis. So this entire cell cycle start with this first, which is called the interphase. Now this interphase is the long phase. And this mitosis phase is the short phase. ये जो mitosis है, तो actual cell division जो होता है वो यहाँ mitosis पर होता है. So what happens at the interphase? So at interphase, the cell prepare itself for the cell division. What is a cell division? Cell division is a division of mother cell into two daughter cells. तो एक मदर सेल का दो डॉटर सेल्स में डिवीजन होना इज अ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच दिस डॉटर सेल, दिस स्मॉलर डॉटर सेल विल अंडरगो अ डिवीजन. दिस सिंगल सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो बिफोर एक्चुअली सेल डिवीजन हैपेंस, तो सेल हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ सेल डिवीजन. सो दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ डिवीजन इज द इंटरफेज, एंड दिस फेज इज अ लॉन्गर फेज. क्या आपको लगता नहीं है कि एक सेल को डिवीजन होने से पहले कुछ समय मिलना चाहिए कि वो अपने आप को तैयार कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके, कि वो अंडरगो कर सके सेल डिवीजन के लिए? तो यही फेज होता है इंटरफेज, और ये अच्छा खासा लंबा पीरियड होता है. दिस इज़ अ लॉन्ग फेज. सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन विच इज़ अ लॉन्ग फेज, इंटरफेज और अ माइटोसिस फेज. तो लॉन्गर फेज इज द इंटरफेस एंड कंपेरेटिवली माइटोसिस इज द स्मॉलर फेज. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज अ इंटरफेस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स इन द इंटरफेस. जैसे हम लोग पहले बोल चुके हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेस सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. किस लिए प्रिपेयर करता है? ताकि वो सेल डिविजन कर सके. तो सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं लाइक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, तो सेल को क्या करना पड़ता है? इसको सब डुप्लीकेट करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, ताकि जब डिविजन हो, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बने, तो दोनों डॉटर सेल के पास वो सब कुछ हो जो पहले मदर सेल के पास था. सो ड्यूरिंग इंटरफेस द एंटायर प्रोसीजर गोज ऑन कि द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल अंडर गोज अ प्रोसेस वेयर इट डुप्लीकेट इटसेल्फ. सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस माइटोसिस एक्चुअली सेल डिवाइड्स इंटू टू. तो थोड़ी देर के लिए हम लोग माइटोसिस को रखते हैं साइड में और हम लोग फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंटरफेस पर. तो हम इस इंटरफेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. सो G1 फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, S फेज मीन्स सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज इज द सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ. तो G1, S एंड G2, G1 और G2, बीच में SQ और why not G1, G2 and G3? वो इसलिए कि ड्यूरिंग S फेज सिंथेसिस हैपन. G1 एंड G2 फेज में बहुत सिमिलैरिटीज होती है, इसलिए G1 एंड G2 फेज, और S फेज में कुछ अलग होता है जो G1 और G2 में नहीं होता है. तो हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं. लुक एट दिस चार्ट. दिस चार्ट टेल्स अस एवरीथिंग अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. अभी अभी हमने देखा सेल साइकिल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. वन इज द इंटरफेज, लॉन्गर फेज या इसका लंबा फेज, एंड अनदर वन इज द माइटोसिस. बट लेट अस नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस माइटोसिस राइट नाउ. थोड़ी देर के लिए माइटोसिस को भूल जाते हैं, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंटरफेज. सो आई जस्ट सेड कि इंटरफेज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, विच मीन्स फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अरे ये क्या, हम तो पुराने वाले स्लाइड पर ही आ गए. नो प्रॉब्लम. तो हम एक ही जगह घूम रहे हैं कि सेल साइकिल हैज टू फेजेस, इंटरफेज एंड दी माइटोसिस फेज. इंटरफेज ये लंबा फेज होता है, माइटोसिस जो होता है वो छोटा सा चिंटू सा फेज होता है.
तो इंटरफेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज. आई एम रिपीटिंग दिस सो इट इज ड्रिल्ड इंटू योर माइंड. तो इंटरफेस होता क्या है? When you observe a cell during this phase, तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, nothing is happening, everything is in a state of rest. But नहीं, उसके अंदर inside the cell lot of activities are happening. The cell is preparing itself for the actual cell division to move on to the second phase, which is the mitosis phase. तो ये cell जो है, you will see इस diagram में आप लोग देखेंगे एक छोटू सा चिंटू सा cell जो है वो आगे चलकर जो है वो बड़ा हो जाता है और वो होता है G1 phase में. तो उसके अंदर जो अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गॉल्गी अपैरेटस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इन सब चीज़ों को जो है डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है. इन चीज़ों का ड्यूप्लीकेशन, इनका डबल होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब अंदर होता है. ड्यूरिंग दिस फेज यू विल सी दैट सेल इज ग्रोइंग इन अ साइज, सो दिस फेज इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज. वॉट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ग्रोथ फेज? तो ग्रोथ फेज में हमको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है वो अभी आगे चलकर देखते हैं. आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ दी सेल ऑर्गेनिल्स. तो सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म. तो सेल के अंदर का वाटरी पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म. एंड आप नीचे देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल एंड नॉट इन द एनिमल सेल. आपको पता ही होगा क्लोरोप्लास्ट. तो फोटोसिंथेसिस हैपेंस हियर. देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. उसके बाद DNA एंड RNA. DNA के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग RNA पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो DNA इज अ डबल हेलिक स्ट्रक्चर. DNA इज अ डबल हेलिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सीढ़ी के जैसा था या लैडर के जैसा, बट इट इज इंटरवोवन. DNA इज अ डबल हेलिक स्ट्रक्चर, बट लुक एट द RNA, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड. तो ग्रोथ के इस पहले फेस में यानी G1 फेस में होता क्या है? तो सिंथेसिस होता है. सिंथेसिस मतलब दो तीन अलग अलग चीज़ों को ले लो, उसको जोड़कर नई चीज़ बना लो. कंबाइंड डिफरेंट कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सिंथेसिस. सो ड्यूरिंग दिस फेज G1 फेज सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस एंड साइटोप्लाज्म सिंथेसिस हैपेंस. तो आपको ये याद रखना है आपके एग्जाम के लिए. आप लोग इसको याद रख सकते हैं MRPC यानी मिस्टर PC. सो आपको याद रखना है यहाँ पर सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, R से सिंथेसिस होता है RNA का, P से सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, एंड फाइनली C से सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म का. सो मिस्टर PC. एंड जैसे ही साइटोप्लाज्म मीन्स वाटरी पार्ट ऑफ अ सेल उसका सिंथेसिस होता है तो सेल थोड़ा सा बड़ा होता है. जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम देखा था, सेल साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. एंड आफ्टर G1 फेज सेल के पास दो रास्ते होते हैं. इट कैन आइदर गो टू अ रेस्टिंग फेज और अ G0 फेज, और इट कैन गो टू अ सेकेंड फेज दैट इज सिंथेसिस फेज. ये रेस्टिंग फेज होता क्या है? तो यू कैन सी हियर ऑन अ स्क्रीन इन लेट G1 फेज द सेल मस्ट फॉलो वन ऑफ द टू पार्ट्स. दे मे इधर विदड्रॉ फ्रॉम द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से बाहर निकल गए, जैसे IPL या वर्ल्ड कप से कोई टीम बाहर हो जाती है, एंड दे एंटर इन टू अ रेस्टिंग फेज. रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, नो मोर सेल डिवीजन. दीज ब्रेन सेल्स एंड नर्व सेल्स अंडर गो द रेस्टिंग पीरियड. आपने सुना ही होगा कि ब्रेन का विकास पहले 4 साल में होता है, देन ब्रेन डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन. सेम थिंग इज विद द नर्व सेल. आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे अंडरगो द रेस्टिंग पीरियड. और लीवर के सेल जो होते हैं वो साल में एक या दो बार ही सेल डिवीजन करते हैं टू रिपेयर देयर डैमेज सेल. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर यूर एग्जामिनेशन दैट इज मिस्टर PC. तो आपके एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. इंटरफेस इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. एंड आउट ऑफ दिस थ्री फेजेस इन तीनों में से G1 फेज सबसे लंबा फेज होता है. यस, आउट ऑफ टू फेजेस ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इंटरफेस
एंड फेज ऑफ माइटोसिस इंटरफेज इज द लॉन्ग पीरियड, और इस लॉन्ग पीरियड के अंदर जीवन फेज जो होता है वो सबसे लंबा पीरियड होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग जीवन फेज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड्स। हाँ, एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। आर स्टैंड्स फॉर आरएनए सिंथेसिस, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड सी साइटोप्लाज्म वाटरी पार्ट, एंड सी साइटोप्लाज्म वाटरी पार्ट इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट टू फेजेस आर सिंथेसिस फेज और एस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। सो ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज डीएनए सिंथेसिस हैपेंस एंड क्रोमोसोम ऑल्सो डुप्लीकेट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल डिविजन। ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज ये डीएनए जो है वो सिंथेसिस होता है और क्रोमोसोम का सिंथेसिस भी होता है। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे उस वक्त इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जी टू फेज या सेकेंड ग्रोथ फेज, इसको जी टू कहा गया है क्योंकि जीवन में जो हुआ था वही कुछ चीजें जो है जी टू फेज में भी होती है। ओके, व्हाट हैपेंस हियर इज मोर प्रोटीन सिंथेसिस, मोर आरएनए सिंथेसिस। सो दिस एक्टिविटीज ऑलरेडी हैड टेकन प्लेस इन जी वन फेज, हेंस इट वॉज नेम्ड एज अ जी टू फेज।